विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मांडू में विगत वर्षों से जारी मांडू उत्सव शीतलहर की मिठास के साथ प्रारंभ हुआ। मांडू उत्सव का विधिवत शुभारंभ जिला कांग्रेस अध्यक्ष बाल मुकुल सिंह गौतम के आतिथ्य में दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस अवसर पर नगर पंचायत मांडू अध्यक्ष मालती जयराम गावर, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष प्रकाश पोलदार सहित कलेक्टर दीपक सिंह, एसपी वीरेंद्र सिंह, एसडीएम वीरेंद्र कटारे, लोकायुक्त एसपी एस सोनी सहित बड़ी संख्या में अतिथिगण मौजूद रहे। 7 दिवसीय मांडू उत्सव की शुरुआत सोमवार को प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना रागिनी मक्खर के सुंदर कलात्मक कथक प्रस्तुति से हुई। रागिनी मक्खर के अद्भुत कथक नृत्य से लोगों को सुंदर भाव मुद्राएं और आकर्षक हस्त मुद्राओं के साथ सुंदर कथक शैली देखने को मिली। इस दौरान मादल की थाप पर कुर्राटी भरते युवा टोली ने भगोरिया नृत्य भी प्रस्तुत किया। कार्यक्रम की शुरुआत इशिका मुकाती ने गणेश वंदना के साथ की। इस 7 दिवसीय मांडव उत्सव के अंतर्गत 7 दिनों तक विभिन्न आयोजनों का दौर रहेगा, जिसमें लोक नृत्य, क्विज प्रतियोगिताएं, गायन, नृत्य नाटिका एवं भगोरिया नृत्य, पारंपरिक लोक नृत्य एवं गायन के साथ ही देश की विभिन्न सांस्कृतिक कलाओं का प्रदर्शन भी किया जाएगा। इसके अलावा कवि सम्मेलन के साथ मांडू उत्सव का समापन होगा। वहीं 22 दिसंबर से लगातार एडवेंचर स्पोर्ट्स में साहसिक गतिविधियों का भी मांडू की सुरम्य पहाड़ियों में आयोजन किया जा रहा है। पैराग्लाइडिंग, पैरासेलिंग, एटीवी बाइक क्लाइंबिंग, राइफल शूटिंग सहित अनेक खेल गतिविधियां, जिसमें बड़ी संख्या में जिले सहित दूर दूर से आने वाले पर्यटक भी भाग ले रहे हैं। इस दौरान प्रशासन से जुड़े अधिकारी कर्मचारी भी अपने परिवार के साथ इस आयोजन साहसिक गतिविधियों का हिस्सा बन रहे हैं। उक्त आयोजन प्रतिवर्ष मध्य प्रदेश शासन, पर्यटन विभाग, सांस्कृतिक विभाग एवं मांडू टूरिज्म प्रमोशन काउंसिल के द्वारा आयोजित किया जाता आ रहा है, जिसमें जिला प्रशासन द्वारा समस्त प्रकार की सुविधाएं एवं सुरक्षा व्यवस्थाएं की जाती है। ऐतिहासिक भूमि पे नृत्य करना, ऐतिहासिक परंपरा को प्रस्तुत करना मेरे लिए अपने आप में बहुत बड़ा एक आदर्श था, उत्साह था और मैंने उसे प्रस्तुत किया। और पता नहीं कौन सी एक अलौकिक शक्ति यहाँ पे विद्यमान है जो एक उत्साह और उमंग देती है, एक आशीर्वाद देती है। तो इस वास्तु में नृत्य करना, मैं अपने आप को धन्य मानती हूँ कि बाल बहादुर रानी रूपमति के इतने सुंदर शहर में मेरे बच्चों के साथ मुझे प्रस्तुति करने का एक अवसर मिला। उसी के लिए मैं सभी मीडिया कर्मियों और जितने भी समारोह के जो आयोजक थे, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगी, प्रशासन को धन्यवाद देना चाहूँगी कि इस तरह की चीज़ें हमेशा होती रहनी चाहिए। मांडव उत्सव हर वर्ष जिला प्रशासन, संस्कृति विभाग सामूहिक मनाते हैं और इसका मूल उद्देश्य ये है कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक आएं और हम भी अब प्रयास करेंगे, क्योंकि विगत 15 सालों सरकार थी नहीं हमारी, अब विकास पुरुष यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं माननीय कमलनाथ जी। हम लोग कांग्रेस के लोग सारे मिलकर के प्रयास करेंगे, क्योंकि काफ़ी कुछ कमी यहाँ पर अभी मांडव में है,
पर्यटक पूर्ण रूप में आ नहीं पा रहे हैं, जितना आना चाहिए उतने नहीं आ रहे हैं। जिस प्रकार से हमारा मांडू देश और विदेशों में प्रख्यात है, विख्यात है, उतना सैलानी यहाँ आ नहीं पा रहा है, क्योंकि यहाँ सुविधाओं की बहुत कमी है। अभी माने कलटसा साहब कलटसा से बात हुई मेरी, उन्होंने काफ़ी कुछ चर्चा की है, तो हम सब मिल करके जिला प्रशासन के साथ मिल करके और मध्य प्रदेश सरकार से निवेदन करके और यहाँ पर विकास की गंगा बहाएंगे। 5 साल में मैं समझता हूँ कि ईश्वर ने चाहा इस मांडव का नज़ारा ही कुछ और होगा और यहाँ काफ़ी पर्यटक जितने आते हैं लेकिन और उसमें काफ़ी इजाफा होगा, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। मांडू उत्सव 24 दिसंबर को आज हमने शुभारंभ किया है। आज यहाँ पर लगभग 125 बच्चे यहाँ पर कैंप में आ गए हैं, जिन्हें कि बहुत ही अच्छे टेंट लगाकर उनको कैंप में यहाँ पर एडवेंचर स्पोर्ट्स, हेरिटेज वॉक और फॉरेस्ट के द्वारा अनुभूति कैंप यहाँ पर कराया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर जो पर्यटक एयर एंडिंग पे आ रहे हैं उनके लिए एडवेंचर स्पोर्ट्स के भी यहाँ पर प्रोग्राम रखे गए हैं। एक फ़ोटो प्रदर्शनी लगाई गई है जिसमें धार और मांडू के सभी ऐतिहासिक स्थलों की फ़ोटो लगाई गई है। आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने भी एक फ़ोटो प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई है। यहाँ पर हमने आर्ट एंड क्राफ्ट मेला भी लगाया है। रोज़ शाम को यहाँ पर कल्चरल प्रोग्राम्स होंगे। आज हमने कल्चरल प्रोग्राम की शुरुआत धार की एक नृत्यांगना से शुरू करी है। इसके अलावा रागनी मक्कड़ के भी यहाँ पर कल्चरल प्रोग्राम यहाँ पर हुए हैं। ट्राइबल ट्रूप के द्वारा भी आदिवासी नृत्य प्रस्तुत किया गया है। आगामी 29 तारीख तक लगातार इस तरह के साहसिक खेलों के आयोजन, हेरिटेज वॉक और शाम को कल्चरल प्रोग्राम होते रहेंगे। 29 तारीख को एक अखिल भारतीय कवि सम्मेलन भी यहाँ पर आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही जो विगत दिनों फोटोग्राफी प्रतियोगिता हमने करी थी उसके जो विजेता हैं और पार्टिसिपेंट्स हैं उनको हम 25 दिसंबर को सर्टिफिकेट्स का वितरण भी करने जा रहे हैं।